फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे बिहारी चोखा, जो प्रसिद्ध है बिहार में, लिट्टी चोखा। तो मैं आज आपको चोखा बनाने बता रही हूँ। तो उसके लिए मैंने लिए है एक बैंगन, लगभग जो आधा किलो का है। इसे मैं ऐसे काट कर चेक कर लूँगी, ये पकी हूँ कीड़े वाले तो नहीं है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पकने को। और ये है मेरे पास दो टमाटर, दो आलू। मैं टमाटर को भी ऐसे गैस पर रख दूँगी पकने को, और आलू बॉयल करूँगी। और चोखा में डालने वाली सामग्री मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने लिए हैं दो तीन पीस ऑनियन, तीन है, और ये गार्लिक है, कुछ कलियाँ हैं, ये मिर्ची है, और ये धनिया है। मैं इसे अच्छे से धोकर साफ़ करके काट लूँगी, और इसमें और भी कुछ दिखा डाल देते हैं, आपको बताऊँगी। तो ये देखिए, हमारा बैंगन का भरता पक चुका है। ये हमारा बैंगन पक चुका है। ये आलू, सॉरी, ये टमाटर और आलू हमारा बॉयल हो रही है अभी। तो तब तक मैं इसे छील लूँगी, दोनों को साफ़ कर लूँगी। तो देखिए, हमारा तीनों तैयार है। आलू उबल चुका है, टमाटर मैंने छील कर साफ़ कर लिया, बैंगन भी साफ़ कर ली। अब इसमें मैं डालूँगी ये ऑनियन कटा हुआ, जो मैंने बारीक बारीक काट ली थी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं किसी दिन भरता बनाने सिखाऊंगी, वो वीडियो मेरा ज़्यादा लंबा हो जाता, तो मैंने बाद में भरता बनाना किया, क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना था। तो और ये धनिया, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि आगे से आगे पे क्या डालूं, आप जानना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारे कमेंट्स करें। और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ये मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल लिया। अब मैं इसमें डालूंगी सरसों ऑयल, यानी मस्टर्ड ऑयल। अब अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमारा गर्मा गर्म बैंगन आलू टमाटर का भरता तैयार है, जो बिहार में लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारे कमेंट्स करें। थैंक यू।